उत्तर कश्मीर के बारामूला में आतंकी हमला, सीआरपीएफ के दो जवान शहीद। पुलिस का एक जवान भी शहीद, आतंकवादियों ने सीआरपीएफ की पार्टी पर किया हमला। हमला बारामूला के एक रैली इलाके में, घायल जवान सीआरपीएफ के 119वीं बटालियन। सीआरपीएफ की टीम के साथ थी जम्मू कश्मीर पुलिस की टीम, ज्वाइंट टीम को आतंकवादियों ने बनाया निशाना। जवान जैसे ही अपने वाहन से उतरे तभी आतंकवादियों ने की फायरिंग, मौके पर अतिरिक्त सुरक्षा बल भेजा गया। और बारिश की तबाही, युवक की जान बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन, चॉपर की मदद से एयरफोर्स ने चलाया बचाव अभियान। कई घंटों तक चला रेस्क्यू ऑपरेशन, रात भर लहरों में फंसे युवक को हिम्मत देती रही टीम। पानी की खतरनाक धार के बीच एक पेड़ को पकड़कर बैठा था युवक, कई घंटे बाद निकाला गया। पहले रेस्क्यू टीम ने खुद युवक को निकालने की कोशिश की, नाकाम रहने पर बुलाया गया था वायुसेना का हेलीकॉप्टर। वडोदरा में विश्वामित्र नदी में उफान के बाद मगरमच्छ की मुसीबत, नदी से निकलने के बाद निचले रिहायशी इलाकों में पहुंचा। नदी में 300 से ज्यादा मगरमच्छ है, निचले इलाकों में अब तक 4 मगरमच्छ किए गए रेस्क्यू। चमोली में भूस्खलन की वजह से सड़क पर आए बोल्डर, बद्रीनाथ जाने वाला हाईवे ठप। भारी बारिश के बीच रुद्रप्रयाग और केदारनाथ हाईवे बंद, केदारनाथ धाम की यात्रा पर असर। उत्तराखंड में मूसलाधार बारिश से दरकते पहाड़, जोशीमठ में बाल बाल बचा कार सवार। रायचूर में नारायणपुर बांध से छोड़ा गया भारी मात्रा में पानी, रायचूर से यादगीर का पुल किया गया बंद। बेलगावी में हिडकाल बांध के 10 गेट खोले गए, गोकाक कस्बे में हो सकता है खतरा। भारी बारिश के बीच पाली में टूटा आकाशीय बिजली का कहर, मकान का हिस्सा ढहा। पाली में आई दोहरी आफत, घरों में घुसा सैलाब का पानी, सैलाब में घिरा गांव, सड़कें कटी, जान जोखिम में डालकर सड़क पार करने को मजबूर लोग। सुकमा में नदी नाले उफान पर, शव को नदी के पार ले जाने के लिए सीआरपीएफ ने की मदद। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में बादल फटने से बहा था पुल, बीआरओ ने बनाया डबल बेली पुल। हिमाचल के मंडी में भारी बारिश के बाद उफान पर पहाड़ी नाले, पुल न होने से लोगों की बड़ी मुश्किल। हिमाचल के ऊना में 2 दिन की लगातार बारिश से हड़कंप, पानी में डूब गए सैकड़ों गांव। गुजरात के वडोदरा में खतरे के निशान से ऊपर बह रही है विश्वामित्र नदी, जलमग्न हुए कई सोसाइटी। गुजरात के सूरत में भारी बारिश से हाहाकार, कई इलाकों में घुटनों तक भरा पानी। गुजरात के डांग में 4 दिन से लगातार हो रही बारिश, गिरमाला झरने में पानी आने से बेहद खूबसूरत नजारा। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में बाढ़ के हालात, जिला मुख्यालय से टूटा 100 से ज्यादा गांवों का संपर्क। बिहार में जारी है बाढ़ का कहर, किसानों के लिए अभिशाप साबित हो रही है गंडक नदी। समस्तीपुर में जारी है बागमती नदी का कहर, मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना से बनी सड़कों पर चल रही है नाव। छपरा और गोपालगंज के बाढ़ प्रभावित इलाकों में पहुंचे तेजस्वी। छत्तीसगढ़ के सुकमा में एक हफ्ते में भारी बारिश ने किया बेहाल, आंध्र प्रदेश को जोड़ने वाले रास्ते बंद। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में मुसीबत बन रही है लगातार हो रही बारिश, टापू में तब्दील हो गए दर्जनों गांव। उड़ीसा में कई जगहों पर भारी बारिश, पानी में डूब गए ढेंकानल के सैकड़ों गांव। उड़ीसा के मलकानगिरी, बोलंगीर और भद्रक में भारी बारिश, राज्य के दूसरे हिस्से से कट गए 3 जिले। तेलंगाना के खम्मम में भारी बारिश ने बढ़ाई लोगों की मुश्किल, रिहायशी इलाकों में घुसा बारिश का पानी। सुशांत सुसाइड मामले में आज रिया चक्रवर्ती के सीए रितेश मोदी से ईडी की पूछताछ, वित्तीय लेनदेन, खर्च और आय पर होंगे सवाल जवाब। सीए से पूछे जाएंगे रिया की कमाई और निवेश से जुड़े सवाल, रिया और सुशांत के कारोबारी रिश्तों पर भी सीए से होगी पूछताछ। सुशांत सिंह की याद में प्रार्थना सभा, बहन श्वेता सिंह ने ट्वीट करके कहा दुनिया भर में 10 लाख लोगों ने इंसाफ की उठाई आवाज। सामने आया सुशांत सिंह राजपूत का नया वीडियो, बहनों के संग मस्ती करते दिखाई दिए बॉलीवुड हीरो। सुशांत मामले को लेकर दिल्ली में करनी सेना का कैंडल मार्च, करनी सेना के अध्यक्ष सूरज पाल अम्मू समेत 4 की गिरफ्तारी। सुशांत को इंसाफ के लिए जस्टिस फॉर सुशांत टीम की पहल, लोगों को बांटे मास्क और सैनिटाइजर। सुशांत केस को सुब्रमण्यम स्वामी ने महाराष्ट्र सरकार के लिए बताया वाटरलू और वाटरगेट, कहा जब तक नहीं पकड़ा जाएगा गुनहगार तब तक नहीं छोड़ेंगे पीछे। महेश भट्ट के बचाव में उतरे दोस्त अनुपम खेर, कहा रिया के करीबी होने के कारण निशाने पर आए।
नारायण राणे के बेटे और पूर्व सांसद नीलेश राणे कोरोना पॉजिटिव, ट्वीट कर दी जानकारी। करीब 5 महीने बाद शुरू हुई माता वैष्णो देवी की यात्रा, कोरोना की वजह से श्रद्धालुओं के लिए थी पाबंदी। देशभर में कोरोना पीड़ितों की संख्या 26,47,000 के पार, एक दिन में करीब 58,000 नए केस। एक दिन में 941 और लोगों ने गंवाई जान, मौत का आंकड़ा 50,900 के पार। देश में एक्टिव केसेस की तादाद अब 6,76,000, 19,19,000 लोगों ने कोरोना को हराया। महाराष्ट्र में एक दिन में कोरोना के 11,000 से ज्यादा मामले, 288 लोगों की वायरस ने ली जान। दिल्ली में 24 घंटे में 1200 से ज्यादा नए मामले, अब तक 1,51,000 मरीज। उत्तर प्रदेश में 1,50,000 के पार पहुंचा कोरोना मरीजों का आंकड़ा, 24 घंटे में 4700 से ज्यादा नए मामले। बिहार में कोरोना के 1,00,000 से ज्यादा मरीज, 24 घंटे में सामने आए 3,500 से ज्यादा मामले। कोरोना के चलते दिल्ली में मुहर्रम जुलूस निकालने और सार्वजनिक गणेश चतुर्थी पर रोक, सरकार ने जारी की गाइडलाइन। देहरादून के सबसे बड़े कोविड अस्पताल में घुसा पानी, वार्ड्स में भर्ती मरीजों में हड़कंप। देश भर में कोरोना टेस्ट का आंकड़ा 3 करोड़ के पार, स्वास्थ्य मंत्रालय ने दी जानकारी। आंध्र के पूर्व सीएम चंद्रबाबू नायडू का जगन सरकार पर फोन टैप करने का आरोप, पीएम मोदी को लिखी चिट्ठी और की शिकायत। अलीगढ़ में डिफेंस कॉरिडोर का काम तेज, लखनऊ में आई टीम ने लिया तैयारियों का जायजा। कश्मीर में सतर्कता से चला बड़ा हादसा, बड़गाम में पुल के नीचे फिट किए गए आईडी को सुरक्षा बलों ने वक्त रहते डिफ्यूज किया। पार्लियामेंट की एनएक्सी बिल्डिंग में लगी आग, दमकल की गाड़ी ने मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। एनएक्सी बिल्डिंग की 6वीं मंजिल पर लगी आग, शॉर्ट सर्किट से आग लगने का अंदेशा। दिल्ली के बोरीगेट इलाके में उपद्रवियों ने किया हंगामा, गाड़ियों में तोड़फोड़, चलाई गोली। पुलिस को मौके से मिले कारतूस के खोखे, आरोपों के मुताबिक 15 से 20 की संख्या में आए उपद्रवियों ने कई राउंड गोली चलवाई। उपद्रवियों ने पलट दी बाइक और स्कूटी, कार के तोड़े शीशे, कुछ घरों में घुसकर लोगों को डराया धमकाया। मैं दरवाजा खुला, बहुत तेज दरवाजा खुला, उन्होंने एकदम से, मेरी मम्मी एकदम से चौंक गई और मेरे को खींच लिया, फिर उन्होंने मेरे को पकड़ लिया और मेरे ऊपर चाकू रख दिया बहुत लंबा। मुरादाबाद में प्रथमा बैंक के मुख्य कार्यालय पर सीबीआई का छापा, घुसखोरी के आरोप में जीएम रविकांत गिरफ्तार। गुजरात के नाडियाड में हाईवे पर हादसा, 2 कारों की टक्कर में 5 लोगों की मौत, सभी मृतक अहमदाबाद के रहने वाले। हादसे में 5 लोग घायल, सभी को नाडियाड के सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया, कुछ की हालत गंभीर। हादसा इतना भयानक था कि कार के परखच्चे उड़े, गाड़ी का सिर्फ ढांचा नजर आया, गाड़ी से घायलों को बाहर निकालने में आई दिक्कत। हादसे के बाद फौरन मौके पर पहुंची एम्बुलेंस, के दौरान एक मासूम बच्ची के चेहरे पर दिखा हादसे का खौफ। अंदर बैठ जाओ। अरे कुछ नहीं, क्या हुआ है? कुछ नहीं हुआ है। यूपी के दिवंगत मंत्री चेतन चौहान का अंतिम संस्कार आज, कल हुआ था निधन। चेतन चौहान की किडनी ने बंद किया था काम करना, अस्पताल में हार्ट अटैक से गई जान। कोरोना संक्रमित होने के बाद गुरुग्राम के अस्पताल में भर्ती थे चेतन चौहान, पीएम मोदी और सीएम योगी ने जताया शोक। उत्तर प्रदेश में योगी कैबिनेट ने दी चेतन चौहान को श्रद्धांजलि, 2 मिनट तक रखा गया मौन। सरकार के लिए और पूरे प्रदेश वासियों के लिए और क्रिकेट जगत के लिए एक अपूर्णीय क्षति है। सोशल मीडिया को लेकर मोदी सरकार पर बरसे राहुल, लिखा फेसबुक और व्हाट्सएप पर बीजेपी और आरएसएस का कंट्रोल। राहुल के बाद प्रियंका ने भी बीजेपी पर बोला हमला, कहा फेसबुक से है साठगांठ। राहुल गांधी पर रविशंकर प्रसाद का पलटवार, कहा हारे हुए लोगों को पूरी दुनिया आरएसएस और बीजेपी के कंट्रोल में नजर आती है। संसदीय कमेटी तक पहुंची सोशल मीडिया कंट्रोल की आवाज, सूचना तकनीक के संसदीय समिति के अध्यक्ष बोले समिति के सामने फेसबुक का जवाब बनता है। विवाद गरमाने के बाद फेसबुक की सफाई, हेट स्पीच पर ना तो नेता देखते हैं ना ही पार्टी। जेडीयू के साथ जीतन राम मांझी की पार्टी का गठबंधन करीब करीब तय, 20 अगस्त को हो सकता है ऐलान। बिहार के डिप्टी सीएम सुशील मोदी की बहन का हंगामा, 2 बोरी चावल के पैसे के लिए दुकानदार से बहस। थाने में घंटों जमीन पर लेटी रही रेखा मोदी, पुलिस और दुकानदार मनाते रहे। पटना में दिल्ली की साइबर सेल पुलिस की छापे मारी, फर्जी प्रधानमंत्री शिशु विकास योजना के तहत पॉलिसी बेचने वाला गिरफ्तार। मरीज की मौत पर परिजनों का हंगामा, मरे हुए मरीज से इलाज के नाम पर पैसा ऐंठने का आरोप। राजस्थान को लेकर 3 सदस्यीय समन्वय समिति बनाए जाने पर पायलट ने जताया आभार, कहा राज्य में संगठन को मिलेगी नई दिशा। राजस्थान में 6 बीएसपी विधायकों के मामले की आज नहीं हो पाएगी सुनवाई, राजस्थान हाईकोर्ट की कामकाज आज तक है सस्पेंड। उत्तर प्रदेश में 12 आईपीएस अधिकारियों का तबादला, गणेश पी साहा गौतम बुद्ध नगर के पुलिस उपायुक्त।
आज सुप्रीम कोर्ट में गांगुली और जयशाह की सुनवाई, बीसीसीआई में कूलिंग पीरियड को लेकर चीफ जस्टिस के सामने बहस। गायक एसपी बाला सुब्रमण्यम की हालत में सुधार, लोगों को अब पहचानने लगे। बिहार के समस्तीपुर में कोरोना संकट के बीच ऑर्केस्ट्रा का आयोजन, अश्लील गानों पर हुआ डांस। लखनऊ में आप सांसद संजय सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज, सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की धाराओं में दर्ज हुआ मुकदमा। पंजाब के तरन तारण में अकाली दल का विरोध प्रदर्शन, सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ी धज्जियां। सुदीक्षा भाटी केस में एसआईटी का बड़ा खुलासा, नहीं हुई थी छेड़छाड़, महज एक हादसा है ये मौत। सुदीक्षा भाटी की मौत के मामले में दो गिरफ्तार, पुलिस से बचने के लिए बुलेट को कराया था मॉडिफाई। चीन को लेकर राहुल ने सरकार को घेरा, कहा पीएम मोदी को छोड़कर हर किसी को सेना के शौर्य पर है भरोसा। राहुल गांधी के वार पर बीजेपी का पलटवार, राम माधव ने कांग्रेस नेता को दी नसीहत। बिहार में चुनाव से पहले तेज हुई सियासी हलचल, मंत्री श्याम रजक ने जेडीयू ने पार्टी से निकाला। आरजेडी ने तीन विधायकों को पार्टी से निकाला, चुनाव से पहले जेडीयू में जाने की कर रहे थे तैयारी। बिहार में चुनाव से पहले नए सियासी समीकरण की आहट, पप्पू यादव ने चिराग पासवान को बताया सीएम मटीरियल।